आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। रविवार को गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएससी के दो जवानों पर एक सिरफिरे ने धारदार हथियार से किया हमला। दोनों जवान गंभीर रूप से हुए घायल। नागरिकों के सहयोग से हमलावर को पुलिस बल ने पकड़ा। एसएसपी ने कहा, घायल दोनों जवान सहित हमलावर को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। हमलावर के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर की जा रही है आगे की कार्यवाही। रविवार की देर शाम धारदार हथियार लेकर गोरखनाथ मंदिर में जबरन घुसने के हमलावर को दबोचने वाले घायल जवानों से मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर पहुंचकर सीएम योगी ने की मुलाकात। बढ़ाया उनका हौसला, की उनके साहस और पराक्रम की सराहना। पहले ही कर चुके हैं मुख्यमंत्री घायल जवानों को 5 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा। रविवार को गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने वाले आरोपी मुर्तजा अब्बासी को कड़ी सुरक्षा के बीच सोमवार को न्यायालय में किया गया पेश। न्यायालय ने आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल। यूपी एसटीएफ व एटीएस संयुक्त रूप से कर रही है मामले की जांच। रविवार को सुरक्षा कर्मियों पर हमले के बाद सोमवार को बढ़ाई गई गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था। मंदिर में आने जाने वाले नागरिकों की गहनता से की जा रही है चेकिंग। सीएम योगी ने भी सोमवार की शाम को गोरखनाथ मंदिर स्थित घटना स्थल का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर में स्कूल चलो अभियान का जंगल कौड़िया ब्लॉक पर कैंपियरगंज के विधायक फतेह बहादुर सिंह के द्वारा किया गया शुभारंभ। जिलाधिकारी ने कहा, स्कूल चलो अभियान के तहत विद्यालय के अध्यापक व अध्यापिका घर घर जाकर बच्चों के गार्जियन को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए करेंगी प्रेरित। मोहद्दीपुर में सड़क के किनारे हुए अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन व ट्रैफिक विभाग की संयुक्त टीम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। दुकान के सामने हुए अतिक्रमण को कराया खाली। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा, आगे भी चलता रहेगा अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। शहर को बनाया जाएगा अतिक्रमण से मुक्त। जिले में शांति व्यवस्था व कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हो रहा है बोर्ड परीक्षा का एग्जाम। जिलाधिकारी ने कहा, सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट व एसडीएम भ्रमणशील रहकर परीक्षा केंद्रों की कर रहे हैं निगरानी। वासंतिक चैत्र नवरात्र के तृतीय दिवस पर गोरखनाथ मंदिर स्थित मां दुर्गा के गर्भगृह में गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने किया मां चंद्रघंटा देवी का पूजा। आरती के पश्चात वितरित किया गया प्रसाद। गोरखपुर विश्वविद्यालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के व्याख्यान का किया गया आयोजन। मुख्य वक्ता डॉक्टर बद्रीनाथ ने जर्मनी के शोध संस्थानों में उच्च शोध हेतु जाने के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों का किया मार्गदर्शन। और मारवाड़ी युवा मंच के तत्वाधान में लक्ष्मी नारायण मंदिर में गणगौर महोत्सव का हुआ आयोजन। मारवाड़ी समाज की महिलाओं ने मंदिर में पहुंचकर किया भगवान शिव व मां पार्वती की पूजा। पति के लंबी जीवन की कामना।